मेरा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। जब मेरी लूसी के आंखें बड़ी हो जाती हैं तो भी बहुत क्यूट हो जाती है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आशीष सिद्दीकी। सो खैर, आज का व्लॉग मैं काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 4:05। तो खैर, मैंने सोचा था ईद मिलादुन्नबी का व्लॉग सुबह से शूट करूँगा, लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था मैं। सुबह से मस्जिद में चला गया था, तो उसकी वजह से मेरे को शूट करने का उतना ज़्यादा याद रहा नहीं, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। सो खैर, आप लोगों को ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, और आपको और आपके घर वालों को मेरी तरफ से। तो खैर, बात करते हैं ईद मिलादुन्नबी होता क्या। तो बेसिकली आज हमारे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद साहब का आज जन्म हुआ था, और आज ही के दिन उनका मतलब इंतकाल नहीं, पर्दा कर गए थे वो इस दुनिया से। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि आज ही के दिन उनका बर्थ हुआ तो खैर चलो सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आज ही के दिन उनका मतलब वो इस दुनिया से चले गए। तो बेसिकली वो जो उनका जाना था वो उनकी मर्जी के हिसाब से था, इसीलिए मतलब ना ज़्यादा खुशी ना ज़्यादा ये। बेसिकली कुरान शरीफ वगैरह पढ़ो और तिलावत वगैरह करो और अल्लाह से दुआ करो, बाकी ये सारी चीज़ें जो भी हुआ था उनकी मर्जी से हुआ था, तो खैर इसीलिए मोस्टली खुशी करते हैं। तो बस ठीक है, जो भी था यही था। चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लाइक इस्लाम में अगर देखें तो 72 फ़िरका होता है। फ़िरका मतलब आप समझ सकते हैं टाइप, और हर फ़िरके के अंदर 90% तो चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें 5% समझ सकते हैं, 95% चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन 5% चीज़ें जो होती हैं वो डिफ़र करती हैं। यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि हर मतलब जितने भी लोग हैं वो अपने आप को मतलब बेस्ट मानते हैं, और अपने आप को मतलब जो वो कर रहे हैं लाइक वर्शिप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है उनके हिसाब से। तो हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि अगर हम बोले कि भाई तू गलत कर रहा और मैं सही कर रहा हूँ, ये तो बस वही जानता है ना। और ऐसे ही सेम रिलीजन्स में भी होता है, लाइक मतलब जितने भी रिलीजन है ना सब में 95% सिमिलैरिटीज़ होती हैं, सिर्फ 5% डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। सो खैर, काफ़ी ज़्यादा डीप था, पता नहीं आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, मैं समझाने मतलब रह जाता हूँ, मतलब सोचता हूँ कुछ ऐसा ना बोल दूँ जो गलत बोल दूँ। ठीक है, सारी बातें एक तरफ करते हुए अभी ऊपर प्रिपरेशन चल रही है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे बन रहा है जर्दा, इसका नाम क्या होता है मैं नहीं बताऊँगी, मुझे पता तो है। चीनी किसने बनाई है, बड़ी टेस्टी लग रही है, मारा क्यों? फातिया की चीज खाते हैं, घी गिर गई पूरी उधर। मैंने मम्मी से बोल रही थी कि किचन में मत आ, बना रहा इसका या मजा आ रहा है। मम्मी देखो ये कैसे घी गिरा दी इसने सारी सारी यहाँ पे, अब उसको साफ करना। मम्मी को क्या चला रही, मम्मी आके साफ करेंगी। अरे तो पहले इसको तो रखने के लिए, ला इसको मैं पकड़ लूं इसको। मम्मी सारी घी गिरा दी। सुबह से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है मम्मी और बाजी के बीच में। ले, मैंने यहाँ पे रखा सरक गया, मजा आया। फिर हम दोनों चिल करते हैं। सुनो सुनो सुनो, मैं अभी इसको उठाऊंगा, तुम इसके नीचे झांक के देखना, ठीक है? चलो अल्लाह, देखो क्या है इसके नीचे, जल्दी 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 निकाल ले, जल्दी निकाल ले, अल्लाह जल्दी निकाल ले, निकाल के बाहर लाओ लूसी, जल्दी लाओ। भाई मम्मी इसको निकालो बाहर, जल्दी निकलो बाहर, अब मिल गया लूसी, मिल गया, आओ बाहर आओ, मिला अल्लाह। जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे करती है लूसी। आज हमने अपनी लूसी को नहलाया था, तो आज लूसी सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, बैठती नहीं बिल्कुल भी हमारे पास नहीं बैठती, बस इधर उधर भागती रहती है। इसको टच ना करे कोई भी, टच ना करे इसको कोई। माशाल्लाह, जर्दा मतलब तैयार है, बस इसके बाद अभी कहाँ रेडी है, अभी इसमें और क्या क्या करना है, अभी बहुत कुछ करना है, बस तू निकल अब यहाँ से हट। फातिया करने के लिए रखा गया और इसे ही लूसी यहाँ बगल में बैठी हुई थी। हाँ। फिर बगल से जाके सोफे पे बैठ गई, और जितना तुमने पढ़ा सब सुनी हो, ये यहाँ पे बैठी हुई लूसी। लूसी नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो तो इसे बैठ के देखने लगती है, लेकिन अगर कभी नमाज पढ़ रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि जा नमाज पे आ जाती है कुछ करने जाती है, हमेशा साइड में रहती है तो दूर बैठ के देखी रहती है। तो घर गए हम लोगों की जो फातिया थी और जो नमाज थी, मतलब फातिया के तुरंत बाद अज़ान हुई थी, नमाज इसका ये चीज़, ठीक है, इसका ये चीज़ मैं बहुत अंजादी हूँ। हाँ। जब भी नमाज पढ़ो और फातिया होगी तो बिल्कुल साइड में बैठ के सुनती रहेगी, देखती रहेगी। और फातिया होते ही आग बंद कर ली, सोने लग गई। तो खैर अभी टाइम हो गया है 6:30, मतलब 6:30 होने में थोड़ा सा टाइम है, पता नहीं दिखी भी कि नहीं दिखी घड़ी। तो हम लोगों को जाना है जिम, तो जिम के लिए मैं पहले जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। एक चीज़ और, आप लोगों ने सोचा कि मैं शर्ट क्यों चेंज कर लिया, मतलब हाफ बाजू में नमाज और फातिहा सब कुछ हो जाती है, लेकिन बेटर होता है कि आप फुल बाजू वेयर करें, ठीक है? तो ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं जिम, तो जिम के लिए सबसे पहले मैं अपना कपड़े चेंज कर लेता हूँ।
जिम से आने के बाद डायरेक्ट ऐसे मतलब कैसे है? तो खैर जिम से आने के बाद मम्मी ने दोबारा फाते करवाई थी गोश्त के ऊपर, और अभी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अपनी डाइट। मुझे हाफ बॉयल एग बहुत ज़रूरी है, अंडा प्रोटीन आ गया, फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर अभी मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, और मैं और साहिल यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा सेटअप लगाया है वो मैं आपको अभी सफाई करने के बाद बताऊँगा अच्छे से, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी आधी जो सफाई थी वो हो गई, और सारी सारी सफाई हमारी लूसी ने करी है, हमारी लूसी ने। अभी देखना लूसी को, मैं देखना क्या मजे दिलाती है लूसी। कभी लूसी ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जब दांत मुंह में दबा लेती है ना इसको, तो ऐसे समझती है अपने आप को शेर। हटो मैं हटा दूं, मैं हटा दूं। ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चो, मेरा प्यारा बच्चा। यार नहीं है, उधर है, उधर उधर वो पूरा। बस थक गई, बस बस साहिल पोछा लेकर आ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मतलब देखने में बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। लेकिन ये जो चीज है ये हम इसके अंदर लगा देंगे, देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक रॉड लगा देंगे, और उस पर लगाएंगे हम लोग ग्रीन पर्दा। और ग्रीन इफेक्ट अगर आप नहीं जानते ना, तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना भाई, पागल गया, इतना तगड़ा ग्रीन इफेक्ट होता है। मतलब मैं यहाँ पे सिंपल इस जगह पे खड़ा होऊंगा, और पीछे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, बैकग्राउंड कैसा भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब बैकग्राउंड की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइक ये जो टांग के रखा हुआ है ना मैंने, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक यहाँ से रॉड यहाँ पे लगेगी, और बाकी ग्रीन पर्दा, और बाकी बैकग्राउंड में जो मर्जी लगाना चाहूँ। यार सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब मैं यहाँ पे बेसिकली खड़ा हूँ, और पीछे से अपने भूत खा लूँगा, ओ भाई मज़ा आ जाएगा। यार ग्रीन स्क्रीन सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलता हूँ, अगर नहीं पता तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना यार, पागल हो जाओगे। सब कुछ निपटाने के बाद इट्स टाइम फॉर डिनर, मैंने आपका नहीं ठीक है डिनर। इसका साहिल क्या नाम है? जरीना। लूसी का नाम मम्मी और साहिल ने रखा है जरीना। माशाल्लाह। सो गाइस खाना खाने के बाद मैं गया था मस्जिद, मस्जिद में मिलाद थी आज, तो वहां से हम लोगों को मिली है ये सन्नी के तौर पर। लेकिन अपने बच्चों को और ये इस्लाम का सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इस्लाम ने सबसे पहले अल्लाह ने जो आयत मुबारक इस उम्मत के लिए नाज़िल फरमाई, वो फरमाई एक तरह कि तुम पढ़ो, चाहे पियोगे तो अपने पियोगे, पता चला कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना। इतना डॉक्टरी का इतना मॉडर्न एजुकेशन पा गया कि बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और दीनी तालीम कुछ भी नहीं मालूम चला। वो ठीक है कि हासिल करना फर्ज है, क्या है हासिल करना फर्ज है। अब हासिल करने के लिए क्या पढ़ना करना पड़ेगा, आपको चीन भी जाना पड़ेगा, जापान भी जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, इंजीनियर के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो हासिल। ये वाली जो बात है ना मैं आप लोगों को समझा दूँ, ये बात बहुत अच्छी मेरे ना जहन में बैठ गया। तो हाफिज जी ने यहाँ पे बताया क्या कि जरूरी है कि आप दीन की नॉलेज के साथ साथ दुनियावी नॉलेज भी लें, तभी आप इस दुनिया में अच्छे से रह पाएंगे, अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, अपने आप को जिंदगी बिता पाएंगे। तो खैर माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा लगा वहाँ पे जाके, अभी कुछ सीखने को भी मिलता है नई चीज। लूसी ओ वहाँ कहाँ वहाँ, इसको ना रात को ज्यादा खेल आता है, ये रात को ज्यादा रात में इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। ले 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 लिकॉट ले लिकॉट ले, रात में खेलना हो, जीत देखो हाफ रही मेरे साथ खेल रही थी नीचे बहुत। इसका मम्मी ने नाम पता क्या रखा है? क्या? जरीना। मम्मी जब किसी से बहुत ज्यादा वो होती है ना, तो उसका नाम जरीना रख देती है। ओ भाई माशाल्लाह। लूसी सो जाओ, मेरे को भी इसने थका दिया पूरा का पूरा, इसको कोई टच ना करे। जब इसको सॉरी बोलो ना तो ये चाटने लग जाती है। सॉरी छोड़ दिया, जा माफ किया तुझे। जीनत मेरी बात सुन, जीनत नाम था क्या? जरीना। जरीना मेरी बात सुन, तू मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौंडा नहीं जो कि तेरे साथ तेरा म्याऊं म्याऊं खाता हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या लगा कितनी।
कटी लग रही है। तो मैंने जो गिफ्ट दिया था बहन को बर्थडे पे, मैं आपको कल दिखाता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। कहाँ गई ये तेरी? बेटे मेरे से तेज चलोगी? उमर के मर के मर के। सो गाइस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। वैसे मजा आया, मतलब खाना पीना खाने के बाद ना लूसी के साथ में ऐसे ही कुछ खेलता हूँ, सारा सारा खाना रह जाता है, मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। आज अगर उतना ज़्यादा नहीं खेली लेकिन और दिन बहुत ज़्यादा खेली, आज उतना ज़्यादा नहीं खेली। तो खैर ठीक है, यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। लुक एट दिस माय कैलीग्राफी, मैं ऐसे लिखता था तो मेरी क्लास में लोग मेरे से अपना फ्रंट पेज बनवाते थे। ठीक लग रहा है ना? इसमें ना थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग होती है, लाइक ये वाला जो पार्ट है ना, ये मतलब थोड़ा सा ऐसा मोटा हो जाता है तो ये और ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। हाँ ठीक है, जो भी है। तो भाई यहीं पर हम लोग ब्लॉग एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ, ईद मिलादुन्नबी मुबारक आप सभी लोगों को।